हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कैन लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं खुशहाल सिंह और इस वीडियो में सी टेट टेट्स से रिलेटेड वीडियो है ये, जिसमें गणित शिक्षण शास्त्र इसके आज इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यदि इनमें से आपने 20 क्वेश्चन कर लिए तो आप जरूर पास हो जाएंगे। तो देखिए इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनके आंसर को। ये वीडियो का पार्ट सी टेट और टेट के लिए 9 है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, खोज विधि के आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। तो आपको सही आंसर टिक करना है और आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, जिसमें आपको लिख लेना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। तो इसका सही आंसर बताते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग। जो खोज विधि के आविष्कारक हैं वो हैं आर्मस्ट्रांग। इसके पहले और भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो बना चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण में करें वही खेल है, यह परिभाषा है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्लूक की, स्टर्न की, कुक की, एस सी पार्कर की। तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए सही आंसर बताते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लूक की। जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण में करें वही खेल है, ये परिभाषा ग्लूक की है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर में शब्द हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर टिक करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। तो न्यूनतम अधिगम स्तर में 3 शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं के शिक्षण कार्य संचालन की व्यवस्था एक साथ करनी पड़ती है तो कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर का चुनाव करें। सही आंसर है ऑप्शन बी बहुकक्षा शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, व्यावहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी दिए गए हैं, आप इनको सही आंसर इसमें से चूज करें। सही आंसर है ऑप्शन डी बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना। तो बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर टिक करें। सही आंसर है उपरोक्त सभी का ऑप्शन डी। तो उद्देश्य स्पष्टता, गति उपयुक्तता, पुनरावृत्ति का अंतराल। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ये ध्यान रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। आंसर आपके सामने है, सही आंसर टिक करें। तो आपने कर लिया होगा सही आंसर का टिक। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु, ये सभी अंकगणित के शिक्षण का उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की विधि है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर टिक करें।
तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, ये विधि गणित शिक्षण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि का महत्वपूर्ण घटक है। आंसर आपके सामने है लक्ष्य, उदाहरण, तर्क, निर्णय। सही आंसर का आप चुनाव कर सकते हैं, तो सही आंसर को टिक करिए। सही है आंसर है आपका उदाहरण। तो आगमन विधि का महत्वपूर्ण घटक है वो है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन है बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर बताएं, सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण का महत्व किस रूप में है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, व्यावहारिक। प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण का महत्व व्यावहारिक रूप में है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षक की विशेषता है। जो गणित का शिक्षक है उसकी क्या क्या विशेषता होती हैं। सही आंसर आप टिक करें, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षक की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर देखिए, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए, कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए और शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप बताएं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। देखो सुनो और समझो, ये सिद्धांत प्रदर्शन विधि पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर टिक करें। तो सही आंसर है आपका पाठ्यक्रम, दौड़ का मैदान से अभिप्राय है पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, बीजगणित शिक्षण की विधि है। बीजगणित शिक्षण की विधि है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, समीकरण विधि। बीजगणित शिक्षण की जो विधि है वो है समीकरण विधि। अगला क्वेश्चन है, पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाने वाली विधि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो गणित शिक्षण के जो नियम व निष्कर्ष हैं वो वस्तुनिष्ठ तथा सार्वभौमिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अवेकस का प्रयोग होता है। सही आंसर इसका बताएं, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, गिनती सिखाने में अवेकस का प्रयोग गणित शिक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है। तो सही आंसर आप बताएं, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि विश्लेषण विधि है। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित शिक्षण की विधि है। रेखा गणित शिक्षण की विधि है। सही आंसर है इसका प्रदर्शन विधि। तो रेखा गणित शिक्षण की जो सही विधि है वो है प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का संबंध है। सही आंसर आप बताएं, सही आंसर है मापन। ज्यामिति का संबंध मापन से है। अगला क्वेश्चन है,
गणित की संरचना एवं प्रकृति की विशेषता है। गणित की संरचना एवं प्रकृति की विशेषता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मूर्त विषय। अगला क्वेश्चन है तर्क आधारित विधि। तर्क आधारित विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है संश्लेषण विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, संश्लेषण विधि तर्क पर आधारित विधि है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाए हैं। यदि आपने 25 में से 20 क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे और अपनी तैयारी बनाए रहें। और जिन्होंने 20 क्वेश्चन से कम आंसर सही टिक कर पाए हैं उनको थोड़ी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि सभी की निःशुल्क हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।